पृथ्वी से हम इस शक्ति का केवल भीतरी पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं, पर यहाँ अंतरिक्ष से हम इसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। नव नीले तारों से बनी इसकी विशाल काय वलयाकार भुजाएं और पुराने तारों से बना इसका पीला केंद्रीय भाग, धूल भरे बादलों की एक विशाल काय पट्टी ने इस चक्ती की मोटाई को विभाजित कर रखा है। ये स्वयं में ब्रह्मांड का एक आश्चर्य ही तो है। देखें इसके अंदर कौन से आश्चर्य भरे पड़े हैं। ये विशाल काले आण्विक बादल मृत्यु प्राप्त तारों से उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है, एक धरातीत रंगमंच की बदलती दृश्यावली। यहाँ ये सब पदार्थ और तत्व मौजूद हैं, जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण होता है। कार्बन लौह तत्व से लेकर पानी तक यहाँ मौजूद है। अपने केंद्र की आयनिक भट्टियों में तारे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और फिर इससे होती है नव सृष्टि। नवजात तारे इस पदार्थ का उपयोग कर आधुनिक ब्रह्मांड की नई ईंटों का निर्माण करते हैं। गैस के स्तंभ सरीखी आकृतियां गरुड़ निहारिका है। इस बड़े स्तंभ का आकार होगा लगभग एक प्रकाश वर्ष यानी 95 खरब किलोमीटर, अथवा यूं कहिए 95 के पीछे 11 शून्य। धूल एवं तप्त गैस के ये स्तंभ भविष्य के सूर्यों और ग्रहों की सर्जन स्थली है। उनका जन्म हमारी दुनिया और सूर्य के समाप्त हो जाने के बहुत बाद होगा। पृथ्वी से आसानी से आकाश में दिखाई देने वाली ये है मृग निहारिका। ये हमारी मंदाकिनी में ही स्थित हमारे समीप की तारों की पौधशाला या नर्सरी है। इस विशाल काय बादल के गर्भ में नवजात तारे और तारों की भूमि स्थित है। केवल 10-20 लाख वर्ष के लिए युवा तारे अपने तीव्र विकिरण से किस बादल को आलोकित कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा इन बादलों को भेद कर तारों के जन्म की प्रक्रिया को देखना संभव हुआ है। तारक धुओं के पास ठंडे गैसीय पदार्थ की काली धूल की चट्टियां मिली है। शायद आज से 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। मिलिए एटा करीना से, एक मरणासन्न तारा जो सूर्य से 150 गुना भारी और 40 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसके अंदरूनी विस्फोटों ने इसे चीर कर रख दिया है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा अन्य दूसरे तत्वों का उबार इससे निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस तारे को एक भारी भरकम न्यूक्लियर टाइम बम समझना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। महादानवाकार तारों की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है।
कुछ ही क्षणों में तारा इतना चमकीला हो जाता है कि अरबों तारों वाली मंदाकिनी इसके सामने भीगी पड़ जाती है। विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती है। बस बचता है तारे का सघन भाग। वो सिकुड़कर तेजी से घूमती छोटी सी गेंद की आकृति ले लेता है, जिसका आकार बस कुछ किलोमीटर का रह जाता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये इतना सघन होता है कि इसके एक चुटकी भर पदार्थ की मात्रा या 6 कुतुब मीनारों के बराबर होगी। विस्फोट से निकली गैस इतनी उत्तप्त होती है कि विस्फोट के कई हजार वर्ष बाद भी आज हम उन्हें दूरबीनों से देख पाते हैं। जब हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की से लगभग 5 अरब वर्ष बाद यही होगा हमारे सूर्य का भविष्य। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इस बादल के भीतर ठंडी बर्फ से लिपटे अंधेरी केंद्रों में परिणत हो जाएंगे। ब्रह्मांड के आदि विस्फोट से यात्रा शुरू कर 12 अरब वर्ष बाद आज हम अपने घर के बहुत समीप सौरमंडल की छांव में आ गए हैं। सूर्य एक साधारण चमक वाला तारा मात्र है। प्लूटो या यम एवं इसका एकमात्र चंद्रमा कैरन हमारे सौरमंडल के बाहरी प्रहरी की तरह है। छोटा सा ये पथरीला ग्रह बर्फ की घनी परतों से लिपटा हुआ है। फिर आता है नेपच्यून या वरुण, हमारी पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर। ये ग्रह व्यास में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ये है यूरेनस या अरुण। युगों युगों पूर्व हुए किसी महाकाशीय झंझावात में इसकी अक्ष को झुका दिया है। दूरबीन द्वारा खोजे गए इस पहले ग्रह और वरुण में बहुत समानताएं हैं। वलयों का सम्राट शनि हाइड्रोजन मीथेन तथा अमोनिया से बनी विशाल काय के सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह हमारी तुलना में सूर्य से 10 गुना अधिक दूरी पर। वलय तो 3 अन्य ग्रहों के पास भी है, पर शनि के वलय की बात ही अलग है। शनि और सूर्य की आधी दूरी पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इतना विशाल कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। 16 ज्ञात चंद्रमाओं और 15 वलयों से युक्त ये ग्रह आश्चर्य का जिन पर बृहस्पति और अगले भीतरी ग्रह मंगल के बीच बहुत सा रिक्त स्थान तथा चट्टानों के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें लघु ग्रह कहते हैं। चार पथरीले वामनाकार ग्रहों में मंगल सूर्य से सर्वाधिक दूर है। आज का उजाड़ बंजर और ठंडा ये मरुस्थल कभी पानी और सक्रिय ज्वालामुखियों से ओतप्रोत था। धूमकेतु सौरमंडल के भूतः घुमक्कड़ पिंड जो विविध परकीय रसायनों को संजोए रहते हैं तथा शायद ग्रहों में जीवन के बीज बोते हैं। हम तेजी से अपने जीवन दाता तारे सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम की बनी विशालकाय गेंद है।
जिसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये एक विशाल पारमाणविक घंटी है जो 5 अरब वर्षों से चलते हुए अभी घंटी नहीं है। ग्रह इसी के प्रकाश और ऊष्मा में स्नान करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है छोटा सा तपता हुआ ग्रह बुध। पृथ्वी से आधे आकार वाले इस ग्रह पर अरबों वर्ष पहले हुए उनका बाप के ग्रह आज भी देखे जा सकते हैं। दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र। आकार में पृथ्वी जैसा किंतु एकदम कार्बन डाइऑक्साइड से व्याप्त इसका वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रह की सतह का तापमान इतना अधिक हो गया है कि लेड या सीसा जैसी धातु पिघल जाए। एक चंद्रमा से युक्त ये नीला ग्रह ब्रह्मांड में हमारा आवास है। बस चंद्रमा ही अब तक एकमात्र ऐसा बाहरी पिंड है जहां मानव के चरण पड़े हैं। मात्र 3